जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे शोल्डर वर्कआउट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट। एक्सरसाइज नंबर एक, सीटेड डंबल लैटरल रेज। इस एक्सरसाइज करने के लिए प्रत्येक हाथ में डंबल लेकर एक सीट या बेंच पर बैठ जाएं। उसके बाद हाथों को साइड में नीचे लटका कर रखें, फिर अपनी कोहनी को थोड़ा बेंड करते हुए दोनों हाथों को एक साथ साइड से ऊपर की ओर उठाएं और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर धीरे धीरे डंबल को नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज के आप 3 से 4 सेट्स 10 से 15 रेप्स कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर दो, डंबल रिवर्स फ्लाई। सबसे पहले प्रत्येक हाथ में डंबल को पकड़ें और अपने घुटनों को थोड़ा बेंड करें, फिर अपनी एल्बो को बेंड करते हुए दोनों आर्म्स को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि डंबल आपके कंधे की ऊंचाई तक ना आ जाए, और कुछ सेकंड के लिए रुकें, फिर धीरे धीरे डंबल को नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज के आप 3 से 4 सेट्स 10 से 12 रेप्स कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर तीन, बारबेल फ्रंट रेज। सबसे पहले रॉड में अपनी क्षमता अनुसार वेट लगाएं, फिर रॉड को अपने शोल्डर की दूरी के बराबर ओवर हैंड ग्रिप से पकड़ें और सीधे खड़े हो जाएं, फिर धीरे धीरे रॉड को ज्यादा से ज्यादा अपने फोरहेड तक ऊपर उठाएं और कुछ सेकंड के लिए रुकें, फिर धीरे धीरे रॉड को नीचे लाएं। इस एक्सरसाइज के आप 3 से 4 सेट्स 10 से 15 रेप्स कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज फ्रंट शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर चार, रिवर्स पैक डेक फ्लाई। इस एक्सरसाइज करने के लिए मशीन फ्लाई का यूज करना है। सबसे पहले मशीन फ्लाई पर लगे पैर से अपनी चेस्ट को सटाकर बैठें, फिर मशीन के दोनों हैंडल को हाथ से पकड़ते हुए जितना हो सके पीछे की ओर मोड़ें और अपने डेल्ट को स्क्वीज करें, फिर धीरे धीरे हैंडल को स्टार्टिंग पोजिशन में वापस लाएं। इस एक्सरसाइज के आप 3 से 4 सेट्स 10 से 15 रेप्स कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर पाँच, सीटेड बारबेल मिलिट्री प्रेस। सबसे पहले रॉड में अपनी क्षमता अनुसार वेट लगाकर एक सीट पर बैठ जाएं, फिर रॉड को अपने शोल्डर से थोड़ी दूरी पर पकड़ें, उसके बाद रॉड को शोल्डर की सहायता से ऊपर लेकर जाएं और कुछ सेकंड के लिए रुकें, फिर वापस धीरे धीरे रॉड को नीचे अपनी चिन के पास तक लेकर आएं, फिर से ऊपर लेकर जाएं। इस एक्सरसाइज के आप 3 से 4 सेट्स 10 से 12 रेप्स कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर छह, डंबल थ्रस्ट। सबसे पहले अपनी क्षमता अनुसार प्रत्येक हाथ में डंबल लेकर सीधे खड़े हो जाएं, उसके बाद थोड़ा सा आगे की ओर झुकें और अपनी एल्बो को सीधा रखते हुए शोल्डर की सहायता से डंबल को ऊपर उठाएं और कुछ सेकंड के लिए रुकें, फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन वापस आ जाएं। इस एक्सरसाइज के आप 3 से 4 सेट्स 10 से 15 रेप्स कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर सात, सीटेड डंबल वन आर्म शोल्डर प्रेस। एक हाथ में डंबल पकड़कर सीट या बेंच पर बैठ जाएं, उसके बाद डंबल को अपने कंधे की तरफ उठाएं, फिर अपने धड़ को सीधा रखते हुए डंबल को ऊपर की ओर प्रेस करें और कुछ सेकंड के लिए रुकें, फिर धीरे धीरे डंबल को नीचे लाएं। इसी प्रकार दूसरे हाथ से भी ऐसा करना है। इस एक्सरसाइज के आप 3 से 4 सेट्स 10 से 15 रेप्स कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगे एक बार कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।